आपके परिवार का सहारा बनेगा LIC, आपकी बेटी का सहारा, आपके बेटे का सहारा, आपके बच्चों का सहारा, आपके परिवार का सहारा बनेगा LIC। आज उस LIC को एक व्यक्ति ने डुबो दिया, अडानी। जैन साथियों, आज पार्लियामेंट के अंदर सभी दलों की मीटिंग थी। उस सर्वदलीय बैठक में मैंने अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अडानी का भ्रष्टाचार जो पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा में है, और यह भ्रष्टाचार क्या है? अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र माने जाते, जिसको मोदी सरकार ने बिजली के ठेके दे दिए, पानी के ठेके दे दिए, यानी कि सब कुछ उसके नाम पर नीलाम करते जा रहे हैं, उस अडानी ने एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड किया, एक ऐसा वित्तीय भ्रष्टाचार किया है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है, अचानक अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दुनिया के 2 नंबरी अमीर बने हैं, और आज वो 2 नंबरी वाली बात सही साबित हो रही है। अब उनका जो अमीरों की सूची में उनका नंबर है वो लगातार गिर रहा है, वो 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि झूठ का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया था, क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो अमीर बने थे। और जब उस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो उनका वो पहाड़ ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। और ये भ्रष्टाचार क्या है? अडानी ने टैक्स हेवन कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जहां पर कर की छूट होती है, आप पैसे रख सकते हैं, आप कंपनियां बना सकते हैं, आप पैसे कहां से ला रहे हैं इसका सोर्स बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। उन सारे देशों से, उन टैक्स हेवन कंट्रीज से अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा जो भारत में उसकी कंपनियां हैं। और ये शेयर क्यों खरीदा? क्योंकि अपनी कंपनियों के शेयर के दाम उसको बढ़ाने थे, यानी कि कंपनी मुनाफे में हो और लोग उसके शेयर खरीद रहे हो और शेयर का दाम बढ़ रहा हो, ये बात नहीं थी। अपने शेयर का दाम फर्जी तरीके से बनाने के लिए फर्जी कंपनियां विदेशों में खोली गई, और मॉरिशस जैसे देश से, एंटीगुआ जैसे देश से, वहां से कंपनियां बनाकर अपने ही शेयर खरीद के शेयर के दाम बढ़ाए गए। अब आप पूछेंगे, अपनी कंपनी का शेयर का दाम बढ़ा के उसको क्या हासिल हुआ? जब अपनी कंपनी के शेयर के दाम उसने बढ़ाए तो कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ गई, और उस शेयर की वैल्यू बढ़ने के आधार पर, शेयर की वैल्यू फर्जी तरीके से ओवर वैल्यू करने के आधार पर, शेयर के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से उसने उठा।